मतलब आपने मुझे बेवकूफ बनाया? इसमें बेवकूफ बनाने वाली क्या बात है? अच्छा? मेरी पत्नी होने जा रही हो और मन किया तो मैंने डांस कर लिया, अब मैंने चिकनी चुपड़ी बातें की और तुम फंस गई, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं फंस गई? अपना? और तू बता बे, तू यहाँ कबाब में हड्डी क्यों बनने आया? एक मिनट, ठीक वही, बस वही करने के लिए उज्ज्वल दिन मुझे यहाँ पे भेजा है, कबाब में हड्डी बनने के लिए, समझा? क्योंकि उन्हें पूरा यकीन था कि तू संगीत के लिए तैयार होने की जगह यहाँ भाभी जी के साथ होगा, इसीलिए उज्ज्वल दिन मुझे खास भेजा है यहाँ पे तुझे यहाँ से भगाने के लिए और भाभी जी को अपने साथ फंक्शन में ले जाने के लिए। और तू यहाँ से निकल मुरली। चुप जा, निकल वरना मैं उज्ज्वल दी को फोन करके कंप्लेंट कर दूंगा। आई एम वेरी सीरियस। निकल। जानवी, तू कियान की ना बिल्कुल टेंशन मत ले, बस तू ना बहुत अच्छे से रेडी होके आ जा, ठीक है? हाँ, और उज्ज्वला दी ने कहा है वो 9 लाख का हार पहन के आना। चले तो चलो, मैं भी आता हूँ साथ में तुम्हारे। कियान के लिए एक छोटा सा तोहफा छोड़ा है बाहर, जाके चेक करो। कियान का पिता तो कियान की कस्टडी छोड़ देने का लीगल नोटिस है। तुम्हारा कियान पे कोई हक नहीं है जानवी, वो मेरा और तुम्हारी बड़ी बहन अनुष्का का बेटा है। तुम्हारी बहन तो छोड़ गई इस बच्चे को, इसलिए अब कानून पूरी तरह से मेरे यानी उसके बाप के हक में ही है। भूलना मत, मैं उसे जब चाहे ले जा सकता हूँ तुमसे, तो अब जैसा मैं कहूँगा तुम वैसा ही करोगी। मिल गया ना कस्टडी छोड़ने का नोटिस, बस अब फंक्शन में जाने से पहले उस रूम में आकर चुपचाप मुझे 9 लाख का हार दे देना, समझी?